हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बारबाडोस वर्सेस जमैका तलावस के बीच में जो CPL में T20 मैचेस होने वाले हैं, इसी मैचेस के बारे में। और इस मैच से रिलेटेड में आपको बहुत सारी न्यूज़ एंड प्लेइंग 11 आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। क्योंकि अगर आप कंफर्म अगर प्लेइंग 11 के अगर कोई भी प्लेयर मिक्स होगा तो आप जो है बहुत ही लॉस में रह सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग दोनों टीम के प्लेइंग 11 एंड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है कि जो न्यूज़ है वो है हाशिम आमला के लिए। हाशिम आमला जो है आप जो है ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो इस मैच पे जो है खेलेंगे, लेकिन फिर भी उसे जो है स्मॉल लीग में आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि फिटनेस टेस्ट पास होने के बाद ही वो खेल सकेंगे। लेकिन प्रीवियस मैच में जो 50% था, अब जो बढ़ के जो है 70% उनका चांसेस जो है हो चुका है खेलने के लिए। दूसरा न्यूज़ जो जमैका तलावस की तरफ से आ रही है, जो कि इमाद वासिम जो कि एक ऑलराउंडर है पाकिस्तानी, वो जो है स्क्वाड को छोड़ के जो है चले गए हैं। तो वो और जो है अवेलेबल नहीं रहेंगे, उनकी जगह जो कॉलिंग डिग्रोम है उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि डायरेक्ट प्लेइंग 11 में भी वो आ सकते हैं खेलने के लिए। तो कुछ टीम इस तरह का हो सकता है, अगर हाशिम आमला फिट होते हैं तो हाशिम आमला खेलेंगे, या फिर स्प्रिंगर को उनकी जगह जो है खिलाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो वेब स्टार मार्टिन गप्टिल, या फिर जो मैंने कहा स्प्रिंगर में से कोई एक इस पोजिशन पर खेल सकता है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस जो है बारबाडोस की टीम पे नहीं होगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जमैका तलावस की, तो टीम बहुत ही स्ट्रांग है, तो लगभग जो है कुछ इसी तरीके से टीम होगा। अगर जैसे कि इमाद वासिम अवेलेबल नहीं है तो कॉलिन डिग्रोम को जो है यहाँ पे मौका मिलेगा डायरेक्ट प्लेइंग 11 के। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक ड्रीम 11 टीम के बारे में कि आप कैसे ड्रीम 11 टीम बना सकते हो और बहुत ही अच्छा जो है विन कर सकते हो। विकेट कीपर पर आपके पास दो ऑप्शन है, निकोल पुरान और जो है ग्लेन फिलिप्स। तो दोनों में से आप जो है ग्लेन फिलिप्स ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि ओपनिंग करते हैं और बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन भी हैं। उनके बाद अगर हम लोग बात करें बैट्समैन की, तो आपके पास स्मिथ है, ठीक है, साहिल होप, डेविड मिलर, जोसन चार्ल्स एंड रोमन पावल, ये कुछ जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया ड्वेन स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। इसके अलावा आप किनन लुइस को जो है अपने टीम में ले सकते हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर पे एंड्रे रसेल एंड जेसन होल्डर जो कि अपने टीम के लिए खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो ये दोनों आपके लिए T20 के लिए बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे राइफर को जो है ले सकते हैं, और ग्रैंड लीग में आप चाहें तो कॉलिन डिग्रोम को एज अ कैप्टन ले सकते हैं। क्योंकि अब अगर आपने देखा हुआ सिर्फ और सिर्फ जो है इस मैच पे जो है 9% लोगों ने इसे लिया हुआ है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर पे यहाँ पे मैंने जो है यादम जाम्पा को लिया है, मोहम्मद इरफान को लिया है, किस्टो कुमार संतोखी को लिया है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है वहाब रियाज एंड असले नर्स को अपने टीम में ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। वहीं पे कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन की बात करें, तो मैंने यहाँ पे कैप्टन यहाँ पे जो है मैंने आंड्रे रसेल को बनाया, और वॉइस कैप्टन मैंने रोमन पावल को बनाया। आप चाहें तो साहिल होप, ड्यून स्मिथ को भी अपने टीम के कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन बना सकते हो। तो फ्रेंड, अभी तक अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।